फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स अप। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में फाइव शॉर्ट ट्रिक्स स्क्वायर निकालने के लिए एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसमें पांच शॉर्ट ट्रिक्स था कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए, वहाँ पे दो या तीन ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स होता है, उसको मैं स्किप कर दी थी। तो मैं छोटा छोटा दो वीडियो बनाऊँगी आने वाले समय में, जहाँ पे जो स्किप किया गया मल्टीप्लिकेशन है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, उसको आप लोगों को पता चल जाएगा उस वीडियो से, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, जैसे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, तो अभी रेगुलर चलेगा वीडियो अपलोड। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक्स का सीरीज खत्म होने वाला है और दो तीन वीडियो आएगा शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, जैसे कि मेरा चल रहा था जो NTPC का, CHSL का जो चल रहा था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बीच बीच में कोई शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच एंड्स विथ फाइव, मतलब कि देखिए, हम लोग तो जो नंबर फाइव से ख़त्म होता है उसका मतलब स्क्वायर निकालने का पता है हम लोगों को। मतलब कि देखिए, 85 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 के बाद वाला नंबर होता है 9, 8 9 जा 72। तो ऐसे हम लोग कोई भी नंबर अगर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उस वो तो गया स्क्वायर के बारे में। अब देखिए, कोई अलग अलग नंबर, मतलब 85 और 75 और मान लीजिए 95, जिसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 है लेकिन जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो अलग है, तो उस केस में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग दो सिचुएशन अराइज होता है। एक सिचुएशन पहले मैं बताना चाहूँगी, जो होता है कि इफ बोथ द नंबर्स आर इवन और ऑड देन इट विल एंड विथ 25। मतलब बोथ द नंबर इवन और ऑड, मतलब मान लीजिए 75 और 95, तो देखिए यहाँ पे 9 और 7 दोनों ही ऑड है। मान लीजिए 35 और 55, यहाँ पे भी 5 और 3 ये भी ऑड है, ठीक है। यहाँ पे बोथ नंबर क्या है, ऑड है। फिर मान लीजिए 65 और 85, ठीक है। इस केस में देखिए 8 और 6 दोनों ही इवन है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए 45 एंड 65, इस केस में भी 4 और 6 दोनों ही इवन है। तो देखिए, बोथ नंबर इवन और ऑड, बोथ नंबर, एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड नहीं, बोथ नंबर इवन। यहाँ पे देखिए, बोथ नंबर 65 और 85 बोथ नंबर इवन। यहाँ पे देखिए 35 55 बोथ नंबर ऑड। तो इस केस में हम लोग कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। तो इस केस में क्या होता है, 35 और 55 को मैं दिखाती हूँ, जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो क्या होगा, 5 5 से 25 पुट कर देंगे और क्या करेंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या होता है 5 3 जा 15। फिर क्या करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे, तो 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8, 8 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 4, तो 4 को 15 के साथ ऐड कर देंगे 19, तो 1925 विल बी द आंसर, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 5 सर क्या होगा, बोथ, इस केस में बोथ ही इवन नंबर है, बोथ ही इवन नंबर है, तो यहाँ पे भी 25 पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 सर 48, फिर से 8 और 6 को ऐड कर देंगे, क्या होता है 14 को आधा कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 55, तो 5525 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। एक और मैं दिखाती हूँ, 45 और 65 क्या होगा, 5 5 जार, यहाँ पे भी दोनों ही इवन है, तो 5 5 जार 25, और 4 और 6 मतलब कि 24 होता है, 4 और 6 ऐड करेंगे तो 10, 10 को आधा करेंगे तो 5, तो 5 ऐड कर देंगे तो 2925 विल बी द आंसर। ऐसे हम लोग अगर बोथ नंबर आर इवन, बोथ नंबर आर ऑड हुआ तो उस केस में इसको मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए, सेकंड केस जो होता है वो आता है कि एक नंबर इवन एक नंबर ऑड। मान लीजिए 35 इंटू 25, यहाँ पे देखिए 2 और 3 इवन और ऑड है। सिमिलरली 45 इंटू मान लीजिए 95, यहाँ पे 4 देखिए इवन 9 है, जो 9 ऑड है, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए कोई भी नंबर 75 इंटू 95, बड़ा नंबर लेके भी आप लोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दो डिजिट का नंबर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो बोथ ऑड हो गया, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 8 कर देते हैं, 75 इंटू 85, एक इवन एक ऑड, 8 इवन है और 7 ऑड है। तो इस केस में कैसे करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, 5 5 से 75 पुट कर देंगे और सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 7 8 जर 56, और 7 और 8 ऐड करेंगे 15। तो देखिए, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो बात नहीं है, हम लोग जो पॉइंट वाला है उसको छोड़ देंगे, तो 2 7 जार 14,
तो इसको ही ले लेंगे, पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम लोग 7 ले लेंगे, तो 7 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 63, तो यहाँ पे 63 पुट कर देंगे, 6375। सिमिलरली यहाँ पे भी 75 पुट कर देंगे, और क्या करेंगे 2 3 6 और 2 और 3 ऐड करेंगे 5, 2 2 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 2.5, हम लोग 2 ले लेंगे तो 6 7 8, तो 875 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और मजेदार टॉपिक के साथ, और 2-3 वीडियो आने के बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पर स्विच करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय।